प्रयागराज के कीड़गंज में रहने वाली राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीड़गंज प्रयागराज निवास कर रहा था। वर्तमान योगी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन माफियाओं द्वारा आज भी लोगों की जबरदस्ती मकान कब्जा किया जा रहा है। राबिया बेगम का परिवार पिछले 150 वर्षों से रह रहा है। राबिया बेगम का परिवार काली गली मस्जिद के पास कीड़गंज में रहते हैं। आज़ादी के बाद मकान मालिक पाकिस्तान जाते समय राबिया की दादी को आजीवन परिवार के साथ रहने के लिए मकान को छोड़ गए थे। उसके बाद इसी परिवार का कब्जा बना रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसमें नेता और भूमाफिया फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, जिसकी सूचना पाते पीड़ित परिवार ने विभागों में सूचना दिया था। फिर भी दबंगों ने प्रशासनिक व कोर्ट की मदद के द्वारा पुनः कब्जा करने की कोशिश की थी और फर्जी कागज बनवाकर रजिस्ट्री भी करवा लिया। जमीन किसी की और रजिस्ट्री किसी अज्ञात व्यक्तियों से करवाया गया है।